अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास मीडियन, जो कि रहेगा टाइप वन। मैंने पिछले लेक्चर में मीडियन का प्रोसीजर लिख दिया है मैंने, चाहे तो आप लोग मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक चेक कर देख सकते हैं आप लोग। मीडियन का स्टेप्स मैंने उसके अंदर लिख दिया है। तो चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पर। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आएगा वेजेस यानी कि क्लास इंटरवल, फिर उसके बाद आएगा नंबर ऑफ लेबर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा हमारे पास। तो चलिए आते हैं हम इसके सोल्यूशन पर। फर्स्ट आएगा हमारे पास क्लास इंटरवल, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा फ्रीक्वेंसी, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके अंदर हम लोग फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें, जैसा कि सपोज 3 है हमारे पास, उस 3 को हम लोग 5 से ऐड करेंगे तो इस तरह से आएगा हमारे पास 8। उस 8 आंसर को हम लोग 20 से ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास 28। फिर उस 28 को हम लोग 10 से ऐड करेंगे, फिर कुछ इस तरह से 38 आएगा हमारे पास। फिर उस 38 को हम लोग 6 से ऐड करेंगे तो कुछ 44 आएगा हमारे पास आंसर इस तरह से। फिर उस 44 को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर डाल देंगे, जो कि रहेगा कैपिटल एन। वैसे तो ये कैपिटल एन हम लोग को फ्रीक्वेंसीज के सारे नंबर्स को ऐड करने से आएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग उस फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 44 होल डिवाइडेड बाई 2, तो हमें कुछ इस तरह से आएगा 22 आंसर। तो उस आंसर को हम लोग कहेंगे हाईएस्ट नियरेस्ट वैल्यू ऑफ एलसीएफ, यानी कि 22 का हाईएस्ट और नियरेस्ट वैल्यू क्या रहेगा एलसीएफ में, हमारे पास 28 रहेगा, ठीक है ना। तो उस 28 वैल्यू को हम लोग कहेंगे हाईएस्ट नियरेस्ट वैल्यू। तो उस पूरे पार्ट को हम लोग इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे ताकि हमें आगे के प्रोसीजर के लिए अप्लाई कर सकें। फिर उस हाईलाइट पार्ट के बिल्कुल ही लेफ्ट साइड, यानी कि बिल्कुल ही लेफ्ट साइड 400 को हम लोग कहेंगे एल, एल यानी कि लोअर बाउंड्री। तो एल का वैल्यू हमारे पास 400 रहेगा। फिर उसी फ्रीक्वेंसी यानी कि सेकेंड बॉक्स के 20 को हम लोग कहेंगे एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 20। फिर उसी बॉक्स के राइट तरफ यानी कि हाईएस्ट नियरेस्ट वैल्यू 28 के ऊपर वाले नंबर यानी कि 8 को हम लोग कहेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमारे पास इस तरह से आएगा यानी कि 8। फिर उसके बाद हम लोग एच निकालेंगे, एच यानी कि लेंथ ऑफ क्लास साइज। तो लेंथ ऑफ क्लास साइज हम लोग कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट या फिर अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। तो आप लोग स्टार्टिंग के नंबर को देखिए 300 और 200, इन दोनों को सेपरेट करने पे हमें 100 आएगा, तो उसको हम लोग करेंगे हैच, यानी कि हैच इक्वल टू 100 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास सारे नंबर्स आ चुके हैं n/2, l, f, cf और h। तो इस सारे नंबर्स को हम लोग मीडियन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से रहेगा, मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ होल इंटू एच। फिर उसके बाद हम लोग मीडियन के सारे वैल्यूज़ के सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। फर्स्ट आएगा एल, एल यानी कि लोअर बाउंड्री। तो लोअर बाउंड्री हमारे पास 400 आया है, तो 400 प्लस n/2, n/2 यानी कि हमारे पास 22 आया है, 22 माइनस फिर इसके बाद सी एफ, सी एफ आया है हमारे पास 8। फिर इसके बाद बाई एफ, तो एफ हमारे पास क्या आया है, एफ हमारे पास 20 आया है, तो बाई एफ यानी कि 20। फिर उसके बाद होल इंटू एच, एच यानी कि लेंथ ऑफ क्लास साइज, तो लेंथ ऑफ क्लास साइज क्या आया हमें 100 आया है, तो होल इंटू एच, एच यानी कि 100। फिर उसके बाद हम लोग 400 को एज इट इज़ लिख देंगे हम लोग। उसके बाद रहेगा 22 माइनस 8, तो 22 माइनस 8 हमारे पास आएगा आंसर उसका 14, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है हमारे पास डिनोमीटर में 20 आ रहा है, फिर उसके बाद उसी तरफ राइट तरफ 100 आ रहा है न्यूमरेटर में, तो डिनोमीटर और न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इस तरह से कैंसिल करेंगे हम लोग, यानी कि 21 20, उसके बाद 25 100। तो इस तरह से हम लोग को आंसर आ जाएगा, तो उस 5 नंबर को हम लोग इस 14 नंबर से मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में 400 प्लस जो नंबर आएगा हमारे पास 14 से मल्टीप्लाई करने पर, उसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 14 × 5, तो क्या रहेगा हमारे पास 14 × 5 रहेगा हमारे पास 17। फिर हम इस दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे, यानी कि 400 प्लस 70, तो उसका आंसर रहेगा हमारे पास 470। तो इस तरह से हम लोग का आंसर आएगा, तो देयरफॉर मीडियन इक्वल टू 470। तो इस तरह से हमें आंसर निकालना पड़ेगा मीडियन का। तो अभी यहाँ मैं रुककर एक बात कर दूँ आपसे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम ये आंसर जो कर रहे हैं करेक्ट है या रॉन्ग है। तो पता कैसे चलेगा वो, तो एक बार आप लोग इस टेबल को देखिए फिर से। इस टेबल पर मैंने
जो रेड कलर का जो मारा है अंडरलाइन यानी जो पूरा बना है उसमें जो एल आ रहा है हमारे पास यानी कि 400 to 500, तो उसके अंदर अंदर अगर आंसर हमारा आ रहा है तो तभी हम लोग करेक्ट कर रहे हैं आंसर। तो क्लास इंटरवल हमारे पास क्या आ रहा है 400 to 500, तो 470 आ रहा है। तो वो 470 जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो 400 से 500 के रेंज में ही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है यानी कि 400 से 500 के रेंज में ही आ रहा है हमारा आंसर। तो देयर फोर मीडियन का आंसर हमारे पास रहेगा 470। तो आई होप आप लोग के मीडियन का सम समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।